कार्टून इज ब्रॉड ट्यूबाल हर्बल टूथ पेस्ट अच्छे बच्चे सुबह उठकर तीत ब्रश करते हैं और कुराने पाक की तिलावत करते हैं और रहते हैं एनर्जेटिक और चुस्त और बबलू भाई हैं सुस्त ना ये तीत ब्रश करते हैं ना ये कुरान पाक की तिलावत करते हैं और पूरा दिन सुस्त रहते हैं फैजान भाई से आसानी से खा रहे हैं फैजान भाई आप सेब कैसे खा लेते हैं क्या मतलब कैसे खा लेते हैं मेरे तो दांत बड़े मजबूत हैं। मेरे तो दांतों में दर्द होने लग जाता है ओहो तो क्या आप ब्रश नहीं करते मेरी मम्मा मुझे ब्रश करने का कहती हैं, मगर सुबह ही सुबह ब्रश करने का दिल ही नहीं करता क्या आपका ब्रश करने का दिल नहीं करता मेरा तो ब्रश छोड़ने का दिल नहीं करता ऐसा क्या है आपके टूथपेस्ट में मैं इस्तेमाल करता हूँ नौनिहाल हर्बल टूथपेस्ट अस्सलाम टूथ पेस्ट सलामकुम वरम अस्सलाम और मेरा मशवरा है कि आप भी नौनिहाल हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें आपका बार बार दिल करेगा ब्रश करने का क्योंकि इसमें है बबल गम फ्लेवर जो मुंह में फ्रेशनेस पैदा करता है मिसवाक और लौंग की ताकत जो दम कीड़ा लगने से महफूज रखते हैं और मसूरों की सेहत कायम रखते हैं सुबह और सोने से पहले तो जरूर ब्रश करना चाहिए क्योंकि इससे हम हेल्दी रहते हैं और हम का मिशन ही ये है कि बच्चे सेहतमंद रहें और उनकी तबीयत खराब ना हो क्योंकि सेहतमंद अफफाल मुस्तकबिल निहाल अच्छा वा मैं भी आज घर जाके यही यूज करूँगा मैं तो मिस भी करता हूँ क्योंकि ये सुन्नत है और इसके साथ साथ ब्रश भी करता हूँ और देखें दांतों को साफ करने का ताल्लुक खुद को साफ सुथरा रखने से है और अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो अपना दिल दिमाग जिसम और लिबास पाक साफ रखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन अल्लाहन ये तयीव। हिब्बुब नब्बन युहिब्बुन युहिब फता अल्लाह पाक है पाकी पसंद फरमाता है पाकीज़ा है और पाकीज़गी पसंद फरमाता है माशाल्लाह प्यारे बच्चों आज हम अपने इस्लामियत के पीरियड में कुरान पाक की फजीलत के बारे में सुनेंगे कुरान पाक वो किताब है जिसे इस कायनात के खालिक मालिक ने हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया कुरान पाक की तिलावत के बेशुमार फज़ाइल हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है वनु नजिल कुरआन इमा शिफाऊ वहमत तर्जमा और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है और एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक को व शिफा उल्लिमाफिस कहा है यानी कुरान पाक दिलों की शिफा है और तफसीर सिरातुल जनान में लिखा है कि शिफा से क्या मुराद है तो इससे मुराद ये है कि कुरान पाक दिल के अमराज को दूर करता है और दिल के अमराज से मुराद बुरे अखलाक आदतें गलत अक़द और जहालतें हैं कुरान पाक इन तमाम बीमारियों को दूर करता है मीन्स हमें अच्छे रास्ते पर लाता है बबलू भाई क्या बात है आप सुस्त लग रहे हैं अरे गुलाम रसूल भाई जाएं मुझे तंग नहीं करें बबलू भाई मैं आपका भाई हूँ कोई भी बात है तो मुझसे शेयर करें आपका मन हल्का होगा गुलाम रसूल भाई पता नहीं क्या हो रहा है किसी काम का दिल ही नहीं करता ना पढ़ने का दिल करता है सुस्ती छाए रहती है घर वालों को भी मैं अच्छा नहीं लगता मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ मुझे ये बताए की नमाज तो आप पढ़ते ही है जी जी अलहमदुल्ल कुराने पाक पढ़ते हैं? नहीं वो तो नहीं पढ़ पाता टाइम ही नहीं मिलता देखें, टाइम आपके पास बहुत होता है अगर आप कुरान पाक पढ़ने की नीयत करें तो आज सर भी बता रहे थे कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी बरकतें हैं बबलू भाई आप कुरान पाक की तिलावत घर पर शुरू करें, फिर देखना आपके अंदर और घर में ऐसी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं जरूर पढ़ूंगा Y. Mm. E? बबलू भाई आप जी स्कूल चलें अभी तो आधा घंटा है आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले रेडी हो गया हूँ वाह माशाल्लाह आए बैठे बस मैं रेडी हो जाऊँ फिर चलते हैं दिस कार्टून वॉज बाय ट्यूबाल हर्बल टूथ पेस्ट की